गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। सो नाउ आज हम इसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। हम इसमें चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपका चैप्टर नंबर 10 है? आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स आज हम अच्छे समझेंगे, तो चलिए सभी वीडियो को केयरफुली देखेंगे और मेरे साथ अच्छे से समझेंगे। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स वर्ड्स, होमोफोन्स जो होते हैं वो कौन से वर्ड्स होते हैं? पहले तो हम होमोफोन्स को जान लेते हैं। होमोफोन्स होते क्या हैं फ्रेंड्स? तो होमोफोन्स, होमोफोन्स दो वर्ड से मिलकर बना है। किसके से? होमो, होमो और फोन, फोन। तो होमो प्लस फोन, दो चीज़ों से मिलकर ये पूरा वर्ड्स बना है, होमो प्लस फोन। होमो का मीनिंग होता है सेम और फोन का मतलब होता है वॉइस, आवाज़। मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो सेम वॉइस देते हैं, लेकिन क्या होता है उनकी स्पेलिंग और उनके वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, होमोफोन्स होमोफोन्स वर्ड्स वर्ड्स हैविंग वर्ड्स हैविंग साउंड साउंड same sound same sound or pronunciation pronunciation but different spelling, different spelling spelling and meaning for example चलिए समझते हैं हम स्टूडेंट होमोफोन्स। होमोफोन्स वर्ड्स क्या होते हैं? तो होमोफोन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले तो ये समझ लेते हैं होमोफोन दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो प्लस फोन। ओके, होमो और प्लस फोन, होमोफोन्स। तो होमो का मतलब होता है सेम, समान। फोन का मतलब होता है वॉइस, समान वॉइस, जिसकी सेम आवाज निकल कर आती है। वॉइस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉइस मतलब होता है आवाज, जिसकी जिन शब्दों की सेम आवाज होती है। जैसे होमोफोन्स वर्ड्स हैविंग सेम साउंड और प्रोनंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। क्या होता है, होमोफोन जो वर्ड्स होते हैं उनकी आवाज सेम होती है, और क्या होती है उनकी प्रोनंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, उसका सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है एस ई ए सी, कैसे बोला? सीस। और ये लिखा है एस डबल ई सी। आपने क्या देखा लास्ट में वॉइस कैसी निकल रही है? सेम आ रही है ना दोनों की, सी सी। लेकिन क्या यहाँ पर भी स्पेलिंग अलग है, इसकी भी स्पेलिंग अलग है, लेकिन इन दोनों की वॉइस कैसी है? सेम है, और इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। देखिए एस ई ए सी मिस होता है समुद्र, एस डबल ई सी सी मिस क्या होता है? देखना। तो आपने देखा इन दोनों की प्रोनंसिएशन और साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी वर्ड्स और स्पेलिंग,
इनकी वर्ड्स की स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। ओके चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम। और एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए ओके डब्ल्यू ई ए के वीक वीक डब्ल्यू ई ए के वीक वीक मीन्स होता है स्टूडेंट्स कमजोर, मतलब जो बहुत जैसा आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत से जो पर्सन या जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उसको हम बोलते हैं वीक। वो बीमार हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं तो उनको हम बोलेंगे वीक, डब्ल्यू ई ए के वीक। और ये क्या लिखा है डब्ल्यू डबल ई के वीक। वीक मतलब होता है सप्ताह, एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूजडे सारे क्या है आपके वीक के अंदर आते हैं। तो आपने क्या देखा वीक वीक कैसी है, सेम साउंड है लेकिन स्पेलिंग देखिए अलग है, इसकी भी स्पेलिंग अलग है, दोनों अलग अलग है स्पेलिंग लेकिन दोनों के मीनिंग क्या है, दोनों के मीनिंग भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है लेकिन साउंड दोनों की सेम आ रही है वीक वीक। ओके देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आई 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 मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट का जिसका मीनिंग होता है आई का, हम एक वर्ड्स भी है तो इसको आई को बोलते हैं, आई इंग्लिश अल्फाबेट भी है और आपका ये हेल्पिंग वर्ब भी है, यूज ऑफ इज एम आर में भी सॉरी यूज होता है सब्जेक्ट की तरह है ना फ्रेंड्स आई, तो आपका हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ होता है सेंटेंस में भी यूज़ होता है, जैसे आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूँ तो इस आई का मीनिंग क्या होता है मैं, ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है सेंटेंस में है ना। और आई ई वाई ई आई आई का मीनिंग क्या होता है, आई का मीनिंग होता है आँख, आपकी जो आई होती है ना, दोनों की प्रोनंसिएशन कैसी आ रही है स्टूडेंट्स, दोनों की प्रोनंसिएशन आपकी आ रही है सेम लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग हैं है ना, दोनों के मीनिंग अलग है ना और दोनों की स्पेलिंग भी अलग है। चलिए आगे देखते हैं राइट 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 एक राइट होता है, हम इसको चेक करते हैं इसको बोलते हैं राइट। आपने बहुत काम ठीक किया है तो हम आपको काम अब कॉपी करेक्शन कराते हैं तो आपको मैम क्या करती हैं चेक करती हैं राइट करती हैं। और राइट का मतलब क्या होता है डब्ल्यू आर आई टी राइट, इसका मीनिंग क्या होता है लिखना, इसका मीनिंग क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग है आपका लिखना। तो आपने क्या देखा राइट राइट दोनों की सेम साउंड है लेकिन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और दोनों के मीनिंग कैसे हैं वो भी डिफरेंट है अलग हैं। ओके और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम, बी यू वाई बाय और बी वाई ई बाय, स्टूडेंट्स बी यू वाई बाय बी वाई ई बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना किसी चीज़ को बाय करना। ओके और बी वाई ई बाय टाटा बाय, तो जब आप घर से आते हैं मम्मी पापा से बाय बोलकर आते हैं तो ये हो गया नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में बाय हाय, तो ये है बाय। और ये वाला क्या है बी यू वाई बाय, बाय मतलब क्या होता है खरीदना। ओके किसी चीज़ को बाय करना। ओके फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए S O N sun S U N sun, देखिए S O N
सन मीन्स होता है बेटा, है ना, बेटा। और SUN सन, सन मीन्स क्या होता है जल्दी से पता है, आप सभी को पता है सन मीन्स होता है सूरज, है ना। वन WN वन और ONE वन। तो देखिए वन मिस होता है जीतना और ONE वन, वन मिस होता है एक। ओके WH OLE हॉल, HOLE हॉल। हॉल मिस होता है पूरा और होल मिस होता है छेद, किसी चीज़ में होल करना, किसी चीज़ में छेद हो जाना या होल करना, हम खुद भी होल करते हैं। तो दोनों का मीनिंग कैसा है, डिफरेंट है लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड कैसी है इसकी, साउंड इसकी सेम है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होमोफोन्स किसको बोलते हैं। होमोफोन उन वर्ड्स को बोलते हैं जिनकी शब्दों की सेम साउंड होती है, सेम प्रोनंसिएशन होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग्स कहते होते हैं, स्पेलिंग और मीनिंग उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।